दोस्तों, आप जब एनडीपीएस एक्ट, जो एनडीपीएस एक्ट है हमारा, द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का जो एक्ट है, उसमें जब आप टोटल लिस्ट देखते हो, जो मैंने आपको बताई कि 239 टोटल लिस्ट है किस किस तरह के नशीले पदार्थ मिलते हैं, उसमें आप 56वें नंबर पर देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि मिनिमम क्वांटिटी है 5 ग्राम, और जो कमर्शियल क्वांटिटी है, मतलब कि स्मॉल क्वांटिटी 5 ग्राम होती है और कमर्शियल क्वांटिटी होती है 250 ग्राम। दोस्तों, जब भी कोई मामला सामने आता है एनडीपीएस का, मतलब कि एनडीपीएस केस, खास करके इसमें जब कोई कमर्शियल क्वांटिटी पकड़ी जाती है, कमर्शियल क्वांटिटी को देखने के लिए कैसे आप कंपेयर करोगे कौन सी स्मॉल क्वांटिटी है, कौन सी इंटरमीडिएट क्वांटिटी है और कौन सी कमर्शियल क्वांटिटी है, इस पर हमने एक डिटेल पर वीडियो अपने इसी चैनल पर बनाया है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो जान जाएंगे। और मैंने आपको यह भी बताया था कि आप एनडीपीएस एक्ट अगर आप देखते हैं तो लास्ट में आप देखोगे तो उसमें आप टोटल 239 टाइप के, मतलब कि 239 टाइप के नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो चीजें होती है वो सब आप उसमें देखते हो। कमर्शियल क्वांटिटी के मामलों में बेल जल्दी से नहीं होती है, सालों साल लग जाते हैं बेल लेने में। ऐसा ही एक मामला जब हमारे सामने आया, जिस मामले को हमने फाइट किया, जिसमें हमने देखा कि उसमें 900 ग्राम हेरोइन सामने वाले से पकड़ी गई थी, मतलब कि जो हमारा एक्यूज था उससे 900 ग्राम हेरोइन मिली थी, कमर्शियल क्वांटिटी से भी कई ज्यादा क्वांटिटी में ये चीज उसके पास से मिली। दोस्तों, आप जब एनडीपीएस एक्ट, जो एनडीपीएस एक्ट है हमारा, द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का जो एक्ट है, उसमें जब आप टोटल लिस्ट देखते हो, जो मैंने आपको बताई कि 239 टोटल लिस्ट है किस किस तरह के नशीले पदार्थ मिलते हैं, उसमें आप 56वें नंबर पर देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि मिनिमम क्वांटिटी है 5 ग्राम, और जो कमर्शियल क्वांटिटी है, मतलब कि स्मॉल क्वांटिटी 5 ग्राम होती है और कमर्शियल क्वांटिटी होती है 250 ग्राम। तो ऐसे में ही जो हमने केस फाइट किया 900 ग्राम जिसमें हेरोइन मिली थी, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। काफी कुछ जानकारी आपको मिलेगी अपने केस को फाइट करने में, कैसे आप बेल लेंगे और भी बहुत सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए एनडीपीएस केस में 900 ग्राम क्वांटिटी मिलने के बाद किस तरह से केस आगे चला, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों, आप कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी नए वकील साहब अभी आप बने हैं, या फिर लॉ के स्टूडेंट हैं, अभी वकालत आपने शुरू की है, या फिर आप एनडीपीएस जैसे केस में फंस गए हो या इसकी जानकारी चाहते हो, तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम का है। दोस्तों, जब भी कभी मामले आप देखते हो, हालांकि मामले बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, बट एक मामला मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको जानना चाहिए। इसमें हुआ क्या कि एक व्यक्ति की जानकारी मिलती है पुलिस को जानकारी मिलती है और पुलिस मेंशन करती है अपनी एफआईआर में कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए थाने से रवाना हुए थे, कि हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, और जैसे ही हम लोग चले तो वहां पर हमें हमारे एक मुखबिर ने इंफॉर्मेशन दी कि यहां पर एक व्यक्ति आएगा जिसके पास हेरोइन है, हेरोइन वो सप्लाई करता है, फुटकर में भी लोगों को वो देता है, ऐसे में उसको अगर सर्च किया जाए तो उसके पास से हेरोइन बड़ी मात्रा में मिल सकती है। दोस्तों, यहां पर कुछ प्रोविजन सामने आ जाते हैं जैसे ऐसा मामला होता है। अब वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। सबसे पहला दोस्तों प्रोविजन होता है, जब भी किसी भी व्यक्ति की तलाशी लेना चाहती है पुलिस, तो पुलिस सबसे पहले उस व्यक्ति को 50 का नोटिस देगी। जो एनडीपीएस सेक्शन जो 50 बोलता है कि उसमें किसी भी व्यक्ति की अगर तलाशी आप ले रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन है कि उसके पास कोई भी कॉन्ट्राबैंड मिल सकता है, मतलब कोई भी नशीला पदार्थ मिल सकता है, तो ऐसे में आप सेक्शन 50 का एक नोटिस जरूर देंगे। अगर आपने नोटिस नहीं दिया है तो यहाँ पर एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन 50 है उसकी अवहेलना होती है, और ऐसे मामलों में कई लोगों की बेल तो क्या केस तक खत्म हो जाता है अगर सेक्शन 50 का नोटिस नहीं दिया। इसके ऊपर ही मैं एक टेक्निकल बात दोस्तों आपको बताता हूं कि जब पुलिस सर्च करती है तो सर्च कब होगी, ऑब्वियसली बात है सेक्शन 50 का नोटिस देने के बाद, और सर्च हुआ और सर्च में जो सर्च मेमो बनाती है पुलिस, उस सर्च मेमो में सेक्शन 50 के नोटिस का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब आपको सेक्शन 50 का नोटिस दिया ही नहीं गया। आपको जो सर्च मेमो है वो जरूर देखना है, बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि सर्च तभी कर सकती है पुलिस जब आपको सेक्शन 50 का नोटिस दिया गया होगा, और अगर सेक्शन 50 का नोटिस दिया गया था तो वो आपके पास होगा, आपकी पॉकेट में होगा, या फिर आपने फाड़ दिया होगा,
आसपास पड़ा होगा, तो भी पुलिस उस सर्च मेमो में उस चीज का जिक्र करेगी कि इसके पास से सेक्शन 50 का नोटिस मिला है। इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, हालांकि हमने बहुत सारी वीडियो अब तक बनाई है एनडीपीएस के केसेस के मामले में और बहुत बार बताया है कमर्शियल क्वांटिटी में आप बेल किस तरह से लेते हैं, कोई भी आप सलाह हमसे चाहते हैं, किसी भी तरह की ऑनलाइन एडवाइस आप लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे और हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से, हमारे किसी एडवाइस से आप अपने केस से बाहर निकल सकें, बेल ले सकें या हो सकता है बरी भी आप हो सकें। अब दोस्तों, हम चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। होता क्या है कि जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो पुलिस अक्सर दिखाती है, क्या दिखाती है उसमें, कि 300 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 1 किलो हेरोइन इसके पास से बरामद हुआ। अब यहीं से आप अपनी फाइट कहां करनी शुरू करते हो कि एफएसएल में क्या आया, एफएसएल में क्या आ रहा है, उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट है या नेगेटिव रिपोर्ट है, जबकि आपको डिफेंस क्या लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं। निर्दोष लोग अगर इस मामले में फंस गए हैं तो आपको इससे ज्यादा कि उसके अंदर जो बरामदगी हुई, सैंपलिंग कैसे हुई और किस तरह से आगे भेजा गया, इससे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ग्राउंड्स ये बनाने चाहिए कि आपके पास से तो कोई रिकवरी हुई ही नहीं। कोई रिकवरी हुई ही नहीं, इसके लिए आपको बहुत सारे डिफेंस तैयार करने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान कहीं पर आकर खड़ा हुआ, उसके पास से बरामदगी हुई, तो वो सामान हो सकता है कि किसी को देने के लिए आया हो, हो सकता है नहीं, वो किसी को सामान देने आया ही होगा, तो उसके फोन में देने वाले को, जिसको देने आया है, उसकी हिस्ट्री भी मिलेगी और जिससे उसने वो माल रिसीव किया उसकी हिस्ट्री भी मिलेगी। और अगर ऐसी हिस्ट्री नहीं मिलती है तो ऐसे में भी मामला डाइसी होता है, मामला डाउटफुल होता है, मामले पर डाउट करना चाहिए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ना कि एफएसएल के पीछे पड़ जाना चाहिए। एफएसएल तो पॉजिटिव ही आएगी, अगर हेरोइन पकड़ी गई है तो हेरोइन का हेरोइन ही आएगा, आप उस मुद्दे को मत देखिए। ये देखिए कि आपका जो क्लाइंट है वो किस तरह से निकलेगा, मतलब कि उसके पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं, सब कुछ वो प्लांट था। दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे की। तीसरे मुद्दे में दोस्तों होता क्या है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी मान लीजिए कि किसी भी पुलिस वाले को कोई भी इत्तला इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ कोई व्यक्ति कोई सामान, कोई कॉन्ट्राबैंड देने के लिए आने वाला है, तो उस व्यक्ति को जब पुलिस अरेस्ट करती है, जब सेक्शन 50 का नोटिस देने के बाद अरेस्ट करती है, तो यहाँ पर एक मैंडेट प्रोविजन और भी है, वो क्या है, सीआरपीसी का सेक्शन 100, उसमें सब सेक्शन 4 में आप जब जाके पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि किसी भी केस में जब पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है तो वहां पर दो इंडिपेंडेंट विटनेस का होना जरूरी है। ये मामला ऐसा नहीं है कि दो इंडिपेंडेंट विटनेस को ना ले, पर आप अक्सर देखोगे कि पुलिस वहां मेंशन करती है कि हमने लोगों को, आने जाने वालों को रोका, बट कोई भी इंसान रुका नहीं, हर व्यक्ति अपनी जायज एक मजबूरी बताकर वहां से चला गया, जबकि देखा जाए तो पुलिस वाला किसी भी आम व्यक्ति पर एक्शन कर सकता है, कानूनी कार्रवाई कर सकता है, अगर वो ऐसी प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनता है। तो इन मुद्दों को अक्सर हम स्किप कर देते हैं, ऐसे मुद्दों को अक्सर स्किप कर दिया जाता है और उसी की वजह से सामने वाले को, जो आपका क्लाइंट है, जो एक्यूज है, उसे सजा हो जाती है। तो आपको दोस्तों एक वीडियो में पूरे ट्रायल को, पूरे ग्राउंड्स को बताना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है ये चीज, पर मैं आपको बता दूं, जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन चीजों को भी अगर आप समझोगे तो आप बेल ले पाओगे, केस को जीतोगे भी, बरी हो सकते हो। कोई भी किसी भी तरह का सजेशन, कोई भी डाउट आपके दिल में है, सजेशन लेना चाहते हैं, कोई भी हमसे लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे, हो सकता है हमारी किसी रिप्लाई से आपके केस में आपको मदद मिल सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।